नमस्कार। आज हमारे साथ बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष व वर्तमान प्रभारी श्रीमान ओम प्रकाश मेहरा जी हैं। और ओम प्रकाश जी काफी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और कृषि कार्य से भी ये बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आज सर्दी के कारण जो किसानों का नुकसान हुआ है उस विषय पे बातचीत करने के लिए हम ओम प्रकाश जी के पास पहुंचे हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की स्थिति आज किसानों की है। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है आपको कि जो पिछले 8-10 दिन से जो सर्दी गिरी है या जिस प्रकार की स्थिति किसानों की आज है, आप जीरो ग्राउंड पे जाके देखते हैं, क्या स्थिति आपको लगती है किसान की आज? आज किसान की हालत बहुत दयनीय है। इस सर्दी ने, जो हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि जो अगेती सरसम है वो तो पहले ही मर चुकी थी, अब कुछ लोगों ने बाद में बोई है। पचेती सरसम जो थी वो एक दो दिन का वो पड़ा पड़ा है, उसमें खत्म है। सरसम के अंदर तो 90 से 95% नुकसान है। आप 90 से 95% नुकसान मान के चल रहे हैं, तो इस नुकसान की जो भरपाई किसान को किस प्रकार से होनी चाहिए, किसान सरकार किस प्रकार से किसान की मदद कर सकती है, या बीमा कंपनियां जिस प्रकार से काम कर रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं, किस प्रकार की मदद आप चाहते? देखो, बीमा कंपनियों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जो बीमा सरकार करवा रही है कंपनियों से, ये बिल्कुल गलत है और सरकार को उचित मुआवजा देना चाहिए। कम से कम 50,000 रुपये किल्ला देना चाहिए और जो मुआवजे के साथ साथ किसानों पर जो कर्ज है उसको माफ करना चाहिए। और इस सरकार ने, बीजेपी सरकार आने के बाद, प्रकृति के जो आई साल जो गैर ढाए जाते हैं किसानों पर, उसका कोई आज तक मुआवजा यहाँ नहीं दिया गया है। तो उपकाशी, जैसे प्रत्येक संगठन, प्रत्येक राजनीतिक दल इस मामले को लेकर के, किसानों की आवाज उठाने को लेकर के तत्पर रहते हैं और आवाज अपने अपने लेवल पे उठा रहे हैं। आप एक चरखी दादरी जिले के प्रभारी हैं, तो प्रभारी होने के नाते आपने किस प्रकार का रोड मैप तैयार किया कि किसानों के लिए किस प्रकार की आवाजें उठानी है, किस तरीके से उनके पक्ष में खड़ा होना है और क्या रूपरेखा आपके जो कार्यक्रम आगे आने वाले उनके रहेगी किसानों के पक्ष? देखो, किसानों के पक्ष में मैं एक बीएसपी पार्टी का प्रभारी होने के नाते पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं पूर्व में झलका बारना का अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो मैं एक प्रभारी होने के नाते बीएसपी की तरफ से अगर किसानों के साथ बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। और हमारी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ रही है। जब बहन जी की सरकार थी तो उस टाइम में हमारे किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत बहन जी से मिले थे और उन्होंने ये कहा था कि किसानों की आय बहुत कम है, आप इनके दाम बढ़ाएं। तो बहन जी ने कहा था कि आप तय करो, लागू हम कर देंगे। तो महेंद्र सिंह टिकैत ने भी कहा था कि आप अपने आपसे हिसाब से आप किसानों की आय को बढ़ाओ। तो गन्ना 125 लेकर 125 से सीधा 250 बहन जी के राज में ही हुआ था। आज तक किसी पार्टी ने दुगुना कीमत अभी तक बढ़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश सूबे की जब मुख्यमंत्री मायावती थी उस समय किसान के लिए सबसे ज्यादा काम करने का काम मायावती ने किया है, ये प्रभारी जी का कहना है। और गन्ने का भाव डबल किया था उस दौरान, किसान के लिए ये पार्टी कार्य कर रही है ऐसा इनका बोलना है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप अपने जिले में किस प्रकार से किसानों के बीच में जाकर के काम करने की योजना बना रहे हैं? अगर सरकार उचित मुआवजा या जो सरकार कर्ज माफी नहीं करेगी तो हम एक बड़ा आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और किसानों के साथ खड़े रहेंगे। किसान के ऊपर जिस प्रकार से कर्ज बढ़ता जा रहा, क्योंकि प्रत्येक किसान ने लगभग केसीसी ले रखी है, तो ऐसी स्थिति में जब उनके फसल का नुकसान हो चुका है, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि उसके कर्ज की किस प्रकार से सरकार को एक समाधान निकालना चाहिए? सरकार को केसीसी को माफ करना चाहिए और सरकार को उचित मुआवजा भी देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार के पास सब साधन है और केसीसी भरेगा कहां से किसान? किसान के साथ में मजदूर का गठजोड़ सदा से रहा है, जुड़े हुए चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए वर्ग हैं। आपकी पार्टी ने लंबा संघर्ष किया है, मजदूर के लिए भी काफी आवाजें उठाई हैं, तो यहाँ जो इस सर्दी की मार से मजदूर के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को आप किस प्रकार से देखते? देखो, मजदूर की बातें तो अभी तक कोई पार्टी करती नहीं है, खाली किसान की बात करती है। हमारी पार्टी जो है वो मजदूर की भी बात करती है। तो मजदूर को भी मतलब सरकार
किसान के साथ साथ कुछ मुआवजा दे तो मजदूर भी कुछ ऊपर उठे। मजदूर के पास तो जमीन भी नहीं है और किसान के पास जमीन है उसमें तो फसल, उसको तो डबल नुकसान है कि उसके खर्चा भी लग गया और फसल का भी नुकसान हो गया। उसके साथ साथ कुछ मुआवजा मजदूर को भी दिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। आने वाले समय में आपकी पार्टी हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो 1 से 1.5 वर्ष के बाद में होने हैं, तो आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखो हम प्रयासरत हैं और बहन जी ने कह दिया है कि भाई हम अभी किसी से समझौते की बात नहीं है और ऊपर से जो दिशा निर्देश आएंगे उस दिशा निर्देशों पर हम काम करेंगे। ओम प्रकाश जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद है इनके द्वारा दी गई जानकारी और इनके द्वारा किए जा रहे प्रयास से समाज को लाभ होगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। हमसाय टाइम्स ऑनलाइन किसानों और देश के प्रति समर्पित एक चैनल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतवर्ष।